choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to the Immortal Hulk. मैं जानता हूँ कि आप इमोर्टल हल्क किंग इन ब्लैक का वेट कर रहे होंगे, लेकिन उसकी स्टोरी को जानने से पहले यह एपिसोड जरूरी है। चिंता मत करिए, इससे अगला वीडियो वही आने वाला है। तो पिछला एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर सैमसन अल्फा फ्लाइट स्पेस स्टेशन के अंदर सैस्क्वैच की बॉडी में आ जाता है। उसे एक ग्रीन डोर मिलता है तो वहाँ घुस गया। उसका अपने वाला ग्रीन डोर खुल नहीं रहा था तो बेचारा क्या ही करे। वहीं अल्फा फ्लाइट स्पेस स्टेशन के अंदर ही हल्क को भी गामा फ्लाइट ने कैद कर रखा है, लेकिन उसकी बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो कैद से आजाद हो जाता है और इससे पहले कि गामा फ्लाइट टीम कुछ कर पाती, वो भी स्पेस स्टेशन तोड़कर बाहर कूद जाता है और सीधा गिरता है अर्थ के ऊपर। लेकिन वहाँ कोई उसका वेट कर रहा था, जो उसे देखते ही बोला, इट्स क्लाबरिंग टाइम। खैर, अभी के लिए हल्क की जो कंडीशन है वो मैं थोड़ी आपको बता देना चाहूंगा। हल्क की बॉडी के अंदर पहले जो चार पांच पर्सनैलिटीज हुआ करती, वो अब सिर्फ दो रह चुकी हैं। एक है जो फिक्सिट और दूसरा है बच्चे वाला हल्क, जिसे आप सिर्फ हल्क कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिजोना, एक गाड़ी एक झोपड़ी के पास आकर रुकती है। ये शैडो बेस की साइंटिस्ट डॉक्टर मैकगोवन की गाड़ी थी। वो कह रही है, तो पिछले 48 घंटों से मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन अच्छी खबर है कि मेरे एक जानकार शैडो बेस के साइंटिस्ट ने मुझे कुछ सीक्रेट जानकारी दी। सभी लोग वहां से भाग चुके हैं। हालांकि बुरी खबर ये है कि वो कुछ ज्यादा ही अंडरग्राउंड हो गए। किसी के पास उनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है। अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मैं भी यही करती। गाइस, ये सब क्यों हो रहा है ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये सब लीडर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शैडो बेस में घुस आया था और वहाँ मौजूद सभी को मारना चाह रहा था। उसने काफी सारे गामा बींग्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि रिक जॉन्स, हल्क और डेल्फ्री। ये झोपड़ी असल में एक शैडो बेस की लोकेशन है, मैकगोवन कह रही है। मेरे पास जितना भी पैसा है मुझे वो ले लेना चाहिए और कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। कोई भी ऐसा ही करेगा, कहीं पर जाकर छुपेगा ही। ये वाली साइट जो है ये एक ऑफिशियल शैडो बेस की साइट तो नहीं है, क्योंकि अब कोई भी ऑफिशियल शैडो बेस की साइट बची ही नहीं। ये बस एक सेफ हाउस है। मैं यहाँ पे तब आया करती जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हुआ करता। मुझे यहीं पर आकर छुपना चाहिए और मुझे ये पता लगाना चाहिए कि इन सब झमेले से कैसे बाहर निकलना है। हालांकि मुझे इस बात के ऊपर मेहनत नहीं करनी चाहिए कि मैं इस झमेले का सामना कैसे करूंगी, लेकिन मैं करने वाली हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, या फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं भागने और छुपने से थक चुकी हूँ क्योंकि मैं एक क्रिमिनल रह चुकी हूँ। लेकिन मैं अब भी ब्रूस बैनर के अंदर यकीन करती हूँ। मैं हल्क में विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि हल्क को अपने दोस्तों की जरूरत है। वहीं कोई नहीं आइलैंड के ऊपर द थिंग हल्क को एक जोरदार पंच मारता है, जबकि दूर मौजूद फंटास्टिक फोर की टीम उससे पूछ रही है, क्या तुम ठीक हो बैन, हमें तुम्हारी लोकेशन मिल चुकी है। जिस पे बैन कहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है रेड, बस पुराने दोस्त थोड़ी सी मुलाकात कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब हल्क भागकर कहीं नहीं जा सकता, मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी बोलते ही हल्क द थिंग को स्मैश करता है। हल्क स्मैश थिंग, द थिंग पूछता है, क्या बात हुई, मजा नहीं आया इस मुक्के के अंदर, कहीं तुमने सुबह का दलिया खाना तो नहीं छोड़ दिया। वो भी उल्टा पंच करता है, देखो मैं तुम्हें किसी का नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन स्पाइडरमैन ने मुझे तुम्हारे मुकाबले जोर से मारा था, वो भी तब जब वो फ्रैंकलिन की उम्र का था। लेकिन तभी थिंग ने देखा कि हल्क एक स्ट्रक्चर से टकरा जाता है और इसी वजह से वो स्ट्रक्चर टूट गया। वुप्स, ओ रेड, ये जो नाइटमेयर राइड थी इसे तो गवर्नमेंट तोड़ने वाली थी ना, डीड कहते हैं। देखो बहन, हमने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि तुम हल्क को कंट्रोल में रख सको, सुजैन कहती है, मेरी बात करवाओ उससे। लेकिन थिंग ने कहा, नहीं नहीं उसे फोन मत देना, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे कंट्रोल में कर लिया है, मैं उसके अच्छे से बैंड बजा रहा हूँ। और सही बात कहूँ तो हमारी पिछली लड़ाई के मुकाबले ये एक भीगी बिल्ली बना हुआ है। याद है ना जब इसने मुझे मेरे ही हनीमून पे मुझे कोमा में पहुंचा दिया था। अगर तब की और अब की हल्क को कंपेयर करें तो ये तो प्यूनी बैनर से भी कमजोर है। ये सुनकर हल्क को बहुत गुस्सा आया। शट अप थिंग, थिंग ने कहा, ठीक है रेड, मैं फोन काट रहा हूँ, हल्क चिल्लाता है। द थिंग प्यूनी है, द थिंग हल्क के मुकाबले हमेशा ही प्यूनी था। हल्क प्यूनी बैनर नहीं है, हल्क कमजोर नहीं है, हल्क नहीं है, द थिंग ने कहा। वाओ, तो मैं जान चुका हूँ कि लोग धौस जमाने वालों के बारे में सच ही कहा करते हैं। अब जब चीजें तुम्हारे लिए उल्टी हो चुकी है तो तुम्हें रोना आ रहा है।
अपनी बारी में तो तुमने मेरी अच्छे से धुलाई की, और जब तुम्हारी बारी आ रही है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ रही है। चला मैं तुम्हारे आंसू साफ कर देता हूँ। उसने हल्क को एक और पंच किया। हल्क कहता है, हल्क भी स्मैश करेगा, तुम्हें स्मैश करेगा। दत्ते ने कहा, अरे मारना तो मार देना, उन्हीं दोस्त जमाने वाले बच्चों की तरह मारना जब उन्होंने मुझे पीटा था जब मैं एक बच्चा था। तो गाइस हल्क ने भी एक खंभा उठाकर उसे जोर से मारा। नथिंग ने कहा, ओ माफ करना, मैं पहले गलत बोल गया था। हल्क उसे पंच करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। हल्क स्मैश, लेकिन नथिंग ने साइड होते हुए कहा, हाँ हाँ तुम हर चीज पे हल्क स्मैश ही कहते रहते हो, कोई भी दिक्कत हो हल्क स्मैश हल्क स्मैश। तुम जिंदगियां स्मैश करते हो, कम्युनिटी स्मैश करते हो, जो कोई भी चीज तुम्हें गुस्सा दिलाती है उसे स्मैश करते हो। तुम अपनी मर्जी की करते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ताकतवर हो, लेकिन अब तुम इतने ताकतवर नहीं रहे। वो फिर से हल्क को पंच करता है, गली के उन बड़े बच्चों की तरह। जब उसका भी बड़ा उसके सामने आता है तब दूसरों को पीटने वाले बच्चों की बारी खुद पीटने की होती है। सुन रहे हो हल्क, और अब मेरी बारी है। लेकिन तभी हल्क डरते हुए बोला, रुको रुक जाओ, हल्क को मारना बंद करो, हल्क को मारना बंद करो। नथिंग कहते हैं, तुम भीख मांग रहे हो सच में? शायद मुझे अपना पंच थोड़ा कम जोर से मारना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने आयुआ के अंदर उन मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के साथ क्या किया था? तुम्हें थोड़ी तो पनिशमेंट मिलने ही चाहिए। इट्स क्लब रिंक्ड। लेकिन तभी नथिंग के देखते ही देखते हल्क जो फिक्सिट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि तब तक द थिंग अपने पंच को नहीं रोक पाता। ये पंच सीधे जाकर जो फिक्सिट को लगा। ओ गॉड बैनर, मुझे माफ करना, मैं अपना पंच नहीं रोक पाया। तब जो फिक्सिट ने कहा, वो एक बच्चा है, तुम बहन के टके, वो एक बच्चा है, तुम अब तक एक बच्चे को पीट रहे थे। द थिंग अपने सफाई में बोला, यार उसने पहले मारा था यार। जो फिक्सिट उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। थिंग ने कहा, हाँ चल ठीक है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम ब्रूस बैनर हो, है ना? फिक्सिट बोलता है, हाँ और लोग कहते हैं कि रीड रिचार्ड जीनियस है। द थिंग पूछते हैं, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि तुम बैनर की बॉडी के अंदर एक स्मार्ट हल्क हो या फिर कुछ ऐसे ही होगे। तुम जो कोई भी हो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन फिक्सिट ने साफ मना कर दिया, नहीं ना कोई हॉस्पिटल ना कोई पुलिस, कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे। द थिंग कहता है, देखो यार तुम्हारे दोनों हाथ टूटे हुए हैं, तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा। फिक्सिट पूछता है, तो क्या हुआ ग्रिम, तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है कि किसी को भी फर्क पड़ता है? तुम दर्द के बारे में बात करना चाहते हो? मेरा और दर्द का पुराना रिश्ता है, हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है। कम ऑन बड़े हरे, बाहर आओ। तो गाइस तभी जो फिक्सिट के हाथ गामा एनर्जी से भर जाते हैं, वो हील हो जाते हैं। देखा पहले जैसे हो गए ना। वही रीड पूछ रहे हैं, मैन वहाँ पे क्या चल रहा है? पथिंग कहता है, यार थोड़ी सी उलझ पुलझ हो गई, अभी पुलिस को यहाँ पे मत आने देना, ठीक है? उनसे कहना कि यहाँ पे रेडिएशन फैली हुई है या कुछ बहाना मार देना। रीड ने कहा, तुम्हारी मर्जी है बहन, चिंता मत करो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसके बाद द थिंग ने कहा, ठीक है अब कुछ देर के लिए हम दोनों को कोई परेशान नहीं करने वाला, तो तुम एक हॉट डॉग खाना चाहोगे? गए जी दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। द थिंग कह रहा है, तुम जितना खाना चाहो खा सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, मैं इस दुकान के मालिक को जानता हूँ, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा बाद में। फिक्सिट पूछते हैं, तो मैं यहाँ के सारे आइटम्स मंगवा सकता हूँ? लेकिन दथिंग ने कहा, पहले अपना हॉट डॉग खाओ यार तुम, फिक्सिट को काफी अच्छी स्मेल आती है। तीन पूछते हैं, लेकिन तुम्हें इसके अंदर से स्मेल कैसे आ रही है? मुझे तो कुछ नहीं आ रही। फिक्सिट ने कहा, देखो जब मैं बैनर की बॉडी के अंदर हूँ तो मैं इसे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब तक मेरे वाला ग्रे हल्क बाहर नहीं आ जाता। थिंग ने कहा, चलो यार तुम अपनी ये सब बातें मुझे समझाओ, शायद मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाऊंगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। बैनर कहाँ पे है? वो तुम्हारे अंदर ही तो होना चाहिए ना। फिक्सिट समझाता है, नहीं यार हम दोनों एक साथ मिलकर काम करने लग गए थे, जैसे कि एक सिस्टम काम करता है, यानी कि हम थे ना, हम अच्छे से एक दूसरे को समझ पा रहे थे। ओ यार ये बर्गर कितना अच्छा है। तो हाँ हम चीजें काफी अच्छे से कर रहे थे, ये सिस्टम काफी अच्छा काम किया। लेकिन फिर वो बैंड कटा का लीडर आदम का वो साला दिमाग में घुस गया, बैनर को उठा ले गया, खत्म टाटा बाय बाय। बताओ वो उसे हेल ले गया, और शायद डेविल हल्क भी उसी के साथ है। अब हमारे अंदर एक खाली जगह बाकी है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में आएगा। ये एक अजीब टाइप की सुपर नेचुरल गामा चीज है, जैसे कि उसने हमारे साथ आयुआ के अंदर किया था। द थिंग पूछते हैं, तो आयुआ के अंदर जो कुछ हुआ कि वो सब पहले से फिक्स था, कि वो सब लीडर ने किया था? गैज मैं आपको बता देता हूँ कि आयुआ में हुआ क्या था। वहाँ पे अवेंजर्स ने मिलकर हल्क को मार डाला था। उसके लिए आप इमोर्टल हल्क के 7, 8, 9 एपिसोड्स देख सकते हैं। द थिंग आगे बोलते हैं, हल्क देखो अगर तुम मेरे साथ चलो
तो शायद फंटास्टिक फोर तुम्हारी मदद कर पाए। लेकिन फिक्सिट मना करता है, नहीं मेरा यकीन करो ग्रिम, इस चीज में तुम कुछ मदद नहीं कर सकते। द थिंग ने कहा, तुम्हें क्या पता कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तुम रीड रिचर्ड्स का कंपैरिजन सैमुअल स्टर्न से कर रहे हो, वो तो रिचर्ड के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फिक्सिट कहता है, देखो यार मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। वैसे मैंने सुना था कि तुम भी एक बार मर गए थे, है ना? मरने के बाद क्या तुम ऊपर गए थे या फिर नीचे? थिंग ने बताया कि मैं ऊपर गया था। जिस पे फिक्सिट ने कहा, हाँ मैं जानता था इस स्टेज में तुम कुछ मदद नहीं कर पाओगे। फिर द थिंग उसे अपनी कहानी बताने लगा। यू नो, जैसे ही मैं मर गया था उसके बाद मैं उस ऊपर वाले आदमी से मिला। मैं फिर से मंदिर में जाने लगा, भगवान के ऊपर यकीन करने लगा। मेरे ऊपर कॉस्मिक हमला हुए 30 साल बीत चुके थे। द थिंग बनाम वहाँ पे मेरी जिंदगी का एक नया पड़ाव था। चलो ये सब छोड़ो, मैंने वहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें एक आदमी जॉब की कहानी थी। तुम इस कहानी के बारे में तो जानते होगे ना, जो शैतान होता है द अक्यूजर, वो जॉब से सब कुछ छीन लेता है, उसका घर, उसकी फैमिली, यहाँ तक कि उसकी खुद की बॉडी भी उसकी नहीं रहती। और ये सब शैतान भगवान की परमिशन से करता है ताकि वो भगवान के ऊपर जॉब के विश्वास की परीक्षा ले सके। हालांकि उसके टेस्ट लेने की बात तो शैतान ने ही कही थी। जॉब के दोस्तों को लगा कि वो ये सब डिजर्व करता है, यही कि बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ नहीं हो सकती। और जब ऐसी बात है तो जॉब को कुछ जवाब चाहिए। वो जानना चाहता है कि उसे दर्द क्यों पहुंच रहा है। जॉब उस ऊपर वाले इंसान से बात करना चाहता है, तो आखिरकार उसकी मुलाकात द ऑलमाइटी से होती है। हालांकि जॉब को अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, उसे बस इस चीज की एक झलक मिली कि वो कितना कुछ नहीं जानता, कि गॉड कितनी बड़ी चीज है। जब मैं वो पैराग्राफ पढ़ रहा था तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अजीब तरीके से बिहेव करने लगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी यही सोचा करता कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें नहीं होती। तो उस टाइम पे मैंने बस इतना सोचा, हे मेरे साथ तो चीजें इतनी बुरी नहीं हो रही, तो मेरी लाइफ तो उस जॉब की तरह नहीं है, तो शायद मुझे उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसकी लाइफ उस जॉब की तरह है। मुझे लगता है कि वो तुम हो। लेकिन फिक्सिट बात को टालता है, मैं अपना हॉट डॉग खा चुका हूँ, हमारी मुलाकात का नतीजा क्या निकलने वाला है ग्रिम? द थिंग ने कहा, हो भैया वैसे अच्छा सवाल किया। हम दुनिया से ये कहेंगे कि तुम हमसे बचकर भाग गए, बाकी सभी लोग ये बात मान जाएंगे। बस अब की बार कुछ गड़बड़ मत कर देना। वैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे फोन कर लेना, नंबर तो तुम्हारे पास होगा ही। और रैक से वो शर्ट उठा लो, मैं खरीद रहा हूँ। मेरे चेहरे पे ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ लिखा हुआ है? फिक्सिट कहता है, तुम मुझे बार बार हल्क कह रहे थे। थिंग ने पूछा, तो क्या तुम हल्क नहीं हो? फिर हमें शैडो बेस की एक दूसरी लोकेशन दिखाई जाती है और किसी तीसरी लोकेशन पे डॉक्टर मैगोन सोच रही है। ये सब कुछ कितना गलत लग रहा है कि हल्क को अपने दोस्तों की जरूरत है, शायद वो इस बारे में नहीं सोचता, शायद वो अपनी इस जरूरत को अपने अंदर दबाए रहता है, बाहर यही दिखावा करता है कि वो अकेला रहना चाहता है। या फिर हो सकता है कि ऐसा ना हो, शायद ये एक ऐसी जरूरत है जिसे तुम हमेशा के लिए दबा कर नहीं रख पाओगे। कुछ भी हो, हल्क को हमारी मदद चाहिए, यही कि जो कोई भी हल्क के बारे में अच्छा सोचता है उसे हल्क से जाकर बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हम उसके साथ हैं सब के सब। तो गाइस हम अब तक देख रहे थे कि इस लैब के अंदर हमें एक हल्क जैसी चीज दिखाई दे रही थी जो कि असल में रिक जॉन्स और डेल्फ्रे की वो बॉडी है जो एक साथ जुड़ चुकी है। और वो दोनों कह रहे हैं, मैं आजाद हो चुका हूँ। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला आदमी, यानी कि ऑलमाइटी के अपोजिट। तो गाइस इस चीज का क्या मतलब है कि मैं आजाद हो चुका हूँ? शायद लीडर का इनके ऊपर से कंट्रोल हट चुका है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। और इसके जस्ट बाद आपको किंग इन ब्लैक इमोर्टल हल्क एपिसोड देखने को मिलेगा।